बीते शुक्रवार को कुछ बड़ी बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन इन सभी फिल्मों पर भारी पड़ गई थी ये हॉरर हॉलीवुड फिल्म। जी हाँ, द नन। सिर्फ 150 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 100, 200, 300, 500 करोड़ ही नहीं बल्कि एक बड़े क्लब में एंट्री मार ली है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हॉलीवुड हॉरर फिल्म द नन दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। द नन कंजरिंग फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म है। हॉरर जॉनर लवर्स को फिल्म की कहानी काफी पसंद आ रही है, वहीं पर कुछ मिले जुले रिव्यूज भी हैं। लोगों का कहना है थोड़ी कम डराती है। खैर, फिल्म लोगों को ओवरऑल पसंद आ रही है। फिल्म ने वीकेंड में ही अपने कुल लागत से 6 गुना ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बना लिया था। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 158.4 करोड़ के बजट में बनी द नन ने पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 943 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। जी हाँ, ओपनिंग वीकेंड में ही फिल्म ने 385 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था और अब तक ये फिल्म 943 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि ये फिल्म भारतीय बाजार में भी धूम मचा रही है। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का जो ट्रेंड रहा उसके आधार पर साफ नजर आ रहा है कि दर्शकों ने 3 नई हिंदी फिल्मों की रिलीज के बावजूद द नन को ज्यादा तवज्जो दी है। जहां तक बात है भारतीय बाजार की, तो इस फिल्म ने ओपनिंग डे में भारतीय बाजार में 8 करोड़ कमाए थे। इसके साथ रिलीज हुई बॉलीवुड की 3 फिल्में पलटन, लैला मजनू और गली गुलियां काफी पीछे छूट गई। द नन भारत में कंजरिंग सीरीज की सबसे बड़ी और बेस्ट ओपनर साबित हुई है। फिल्म ने इंडिया में अपने ओपनिंग वीकेंड में कुल 28.50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और चौथे दिन तक आते आते 30 करोड़ से ऊपर की कमाई बाकी फिल्मों को पीटते हुए। तो फिलहाल द नन का डरावना जादू चल गया है पूरी दुनिया में, 1000 करोड़ क्लब में होने वाली है शामिल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।